हाय फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एचटीएमएल के कोटेशंस एंड सिटेशंस एलिमेंट के बारे में। तो इसमें हम कवर करेंगे कुछ चार पांच एलिमेंट्स हैं इसके, ब्लॉक कोट एलिमेंट। जैसे इन दिस चैप्टर विल बी थ्रो द ब्लॉक कोट एलिमेंट, क्यू एलिमेंट, क्यू टैग, ए बी बी आर एलिमेंट, एड्रेस, सिटी, वीडियो एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के बारे में हम एक प्रैक्टिस करेंगे, किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, इनका क्या वर्क फ्लो होता है, किस तरीके से काम करते हैं। एच टी एम एल ब्लॉक कोट एलिमेंट डिफाइन ए सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम द अनदर सोर्स। अनदर सोर्स को हम कोटेड कर देते हैं इस कंटेंट को। एच टी एम एल क्यू टैग डिफाइन ए शॉर्ट कोटेशंस, शॉर्ट कोटेशंस। और नेक्स्ट आपका आ जाता है लाइन द एच टी एम एल ए बी आर टैग्स डिफाइन ए एब्रिविएशंस। एब्रिएशन, एब्रिएशन टैग, एब्रिविएशन टैग और एब्रिएशन टैग एंड सिंक्रोनियम लाइक एच टी एम एल सी एस एस मिस्टर। मार्किंग एब्रिएशंस कैन गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ब्राउजर, ट्रांसलेशन सिस्टम एंड सर्च इंजन। द एच टी एम एल एड्रेस टैग डिफाइन द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ऑथर, ऑनर ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स एन आर्टिकल। तो एड्रेस टैग हम यूज़ करते हैं, जैसे कुछ एड्रेस वगैरह हमें डिफाइन करना है किसी से, जैसे कहीं का हमें एड्रेस देना है, तो एड्रेस के लिए हम एड्रेस टैग का यूज करते हैं। द कंटेंट इंफॉर्मेशन कैन बी ई मेल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, फोन नंबर, सोशल मीडिया हैंडल्स, ई टी सी। द एच टी एम एल सिटी टैग्स डिफाइन द टाइटल ऑफ क्रिएटिव वर्क, जैसे बुक, पोएम, सॉन्ग, मूवी, पेंटिंग। इनमें हम इसको सिटी टैग को यूज करते हैं। तो वीडियो टैग्स इज एच टी एम एल वीडियो टैग्स इज यूज टू ओवर राइट द करेंट टेक्स्ट डायरेक्शंस। तो हम इसमें अब इस टैग्स को थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं अभी। तो मैं इसको थोड़ा सा, जो पुराने वाले टैग हैं उनको थोड़ा सा हटा देता हूँ सारे टैग्स को, और इसी में हमारे जो पैराग्राफ बने हुए हैं इसी में हम देख लेते हैं इसी टैग्स में। तो मैं सबको कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पैराग्राफ टैब ऑलरेडी यहाँ पे हमने बना रखे हैं, उन्हीं को हम यूज करेंगे। और ये आपका, मैं बी आर टैग भी हटा देता हूँ यहाँ से, ये बी आर टैग भी हटा देता हूँ आपके, ये बी आर टैग भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो आपका ये ब्लॉक टैग यूज करेंगे, ब्लॉक को टैग, इसको मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ। सिंपल ब्लॉक को टैग्स हमने यहाँ पे जो देखा था, ब्लॉक टैग सिंपल, ये आपका ब्लॉक को टैग हो गया। अब नेक्स्ट टैग के बारे में हम बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट टैग कौन सा है आपका, क्यू टैग। क्यू टैग, मैं इसको पैराग्राफ टैग को आपको क्यू टैग बना के देता हूँ। क्यू टैग पैराग्राफ में ही मैं एक क्यू टैग ले लेता हूँ, यहाँ पर क्यू टैग, मैं क्यू टैग लगाता हूँ यहाँ पे आपको क्यू टैग, मैं क्यू टैग आपको यहाँ पे लगाता हूँ क्यू टैग। नॉरम के लिए, नॉरम के लिए मैंने फर्स्ट पैराग्राफ टैग में, तो इसने क्या कर दिया, इसको डबल कोट में इसको आइडेंटिफाई कर दिया, डबल कोट लगा के। देखो लॉरम में डबल कोट लगा दिया इसने, डबल कोट लगा के उसमें के अंदर लॉरम लिख दिया इसने। तो इसके लिए हम क्यू टैग का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टैग है हमारा यहाँ पे क्या है, ए बी वी आर टैग। ए बी आर टैग को हम इसी में थोड़ा सा यहीं पर लिख देते हैं यहाँ टैग, इस तरीके से ए बी वी आर टैग को यूज करते हैं हम लोग यहाँ। ये हमारा थोड़ा, हमने कहाँ तक लिया था इस टैग को, ये सिंप्लीफाइड डमी टेक्स्ट, तो मैंने इसमें ये वाला इसमें लिया था थोड़ा। तो देखो इस टैग्स को थोड़ा सा मैंने इम्प्रूव करके देखा, थोड़ा पी टैग में ना इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई, पी टैग में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, बट एज ए सेम लाइक दैट सेम ही दिखता है ये।
टैग, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है पी टैग से। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टैग है एड्रेस। मैं एड्रेस टैग ले लेता हूँ आपका यहाँ से कुछ, मैंने जैसे इसको मैं एड्रेस टैग बनाता हूँ कुछ, एड्रेस टैग, एड्रेस टैग और कुछ कंटेंट ले लेता हूँ मैं यहाँ से लेके, ये लाइक दैट मेरा कुछ एड्रेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ये मेरा एड्रेस है। और इसको मैं थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लगाऊंगा थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेक लगा के बी आर टैग का यूज़ कर लिया, कुछ यहाँ पे मैंने बी आर टैग यूज किया, इसको थोड़ा ब्रेक कर करके यहाँ पर मैंने बी आर टैग। देखो एड्रेस टैग का क्या होता है कि एड्रेस को थोड़ा सा इम्प्रूव करके वो अच्छे से दिखा देता है एटॉमिक कंटेंट। देखो ये हमारा एड्रेस हो गया, जैसे हम यहाँ पर लाइक द सिटी नेम डाल देते हैं और अपना हाँ सिंपल कहाँ का एड्रेस है, तो एड्रेस को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता है वो अच्छे से थोड़ा एड्रेस टैग। तो एड्रेस टैग हम अब आ जाता है इसमें सिटी टैग, तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसमें सिटी टैग, और इसको ये टैग बना देते हैं यहाँ पर। मैं इसको पी टैग को ना थोड़ा बाहर कर देता हूँ इन सबसे। चलो अभी देख लेते हैं इसमें अगर कुछ, देखो ये रहा, ये थोड़ा सा ना आइटैलिक फॉर्मेट में आ गया ये वाला पार्ट। देखो लैग पी टैग का ये है और ये यहाँ मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या बनाया पी टैग, तो थोड़ा सा इम्प्रूविंग कंटेंट को थोड़ा इम्प्रूव कर देता है अपना आइटैलिक कह सकते हो इसको थोड़ा सा आइटैलिक। और हमारा जो नेक्स्ट टैग है मैं देखता हूँ इसमें हमारा वीडियो टैग्स, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो वीडियो टैग का ये है वर्जन वीडियो टैग, तो हमने यहाँ पे देखो अभी ये वीडियो टैग देखा है मैंने वर्जन ऑफ द लॉरेम इप्सम, तो इसको मैंने थोड़ा सा लगाया यहाँ पे ब्रेक टैग भी दे दिया थोड़ा एड्रेस के नीचे, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं किस टाइप का होता है। देखो ये है, तो इसमें भी मुझे कोई ज़्यादा खास डिफरेंस लग नहीं रहा है, अभी एज ए पैराग्राफ की तरह यूज होता है। तो ये टैग है कोटेशन टैग, इनको हम यूज कर सकते हैं अपने HTML पेज को क्रिएट करते समय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।